जो है वो मेरा फेवरेट है। मैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है बॉम्बे में, कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश में भी जाता हूँ, बिहार में भी जाता हूँ, जहाँ मौका मिलता है मैं इस महोत्सव को बहुत इंजॉय करता हूँ। बहुत मुझे ये हमारे देश का ऐसा त्यौहार है, ऐसा महोत्सव है जो मिट्टी से जुड़ा है, तो हमारे मुझे लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस कजरी महोत्सव में मैं आ पाया हूँ और इसका एक हिस्सा बन पा रहा हूँ। स्त्री सम्मान भी यहाँ पर, स्त्री महिला शक्ति सम्मान, महिलाओं के लिए कॉमेडी कहा जाए तो महिलाओं की ऐसी कौन सी कॉमेडी है जो आप उनके सम्मान में आप अगर बोले? महिलाओं को मैं समझता हूँ कि हंसी और हसीन, ये दोनों ही आशीर्वाद ऊपर की वाले की तरफ से मिला है। तो हंसती भी तो खूबसूरत लगती है और हंसती है तो हसीन लगती है, तो कॉमेडी हंसी मजाक जो है, ठिठोली जो है, वो हमारे देश की महिलाओं का एक तरह का एक अलग तरह का एक टैलेंट है और ये टैलेंट एज ए कॉमेडियन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे लगता है कि महिलाओं जितना ज़्यादा ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत है महिलाओं में, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि अभी अमित शाह कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि देश की जितनी माता बहनें हैं सबको हंसने का पूरा आज़ादी है, पूरा उनको ऊपर कोई धारा नहीं लगाई जाएगी, वो हंस सकती है। वो मेरी नज़र में खूबसूरती के मामले में मेरी सारी माता बहनें कश्मीरा शाह है, क्योंकि आई लव कश्मीर। थैंक यू। चलो प्रदेश में जहाँ पे हमारी जन्मभूमि है और वहाँ के कार्यक्रमों को अगर हमारे यहाँ पे आकर के कोई प्रस्तुत करता है तो एक अच्छी भावना आती है और हमारे साथ जो हमारे से दूर रहते हैं लोग, हमारे गांव के या हमारी भाषा के जानने वाले लोग, तो एकत्रित होकर एक अच्छा काम है। तो जब आप इस कार्यक्रम के लिए आपको इन्वाइट किया गया तो किस तरह का आपका रिस्पॉन्स रहा कि हाँ इस प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए या क्या कुछ? नहीं, बहुत खुशी हुई और इसी बहाने मुझे सारे लोगों से मिलने को मिला और आपसे भी मिलने को मिला, तो एक जब कोई बुलाता है किसी कार्यक्रम में तो स्वाभाविक है आदमी को अच्छा लगता है। उत्तर भारतीयों के इस मंच पे महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री कृष्णा प्रकाश के द्वारा आपको सम्मान भी दिया गया, दे सकते हैं आज उत्तर भारतीय मंच पे आकर के, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर भारतीय समाज को? जब आप सम्मानित होते हो तो उस व्यक्ति के लिए वो बहुत गौरवान्वित बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा सम्मानित किया जाता है, और मुझे बहुत अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मुझे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया है एक उत्तर भारतीय मंच में, तो ये समाज पूर्ण एक गौरवान्वित होने के बराबर। भाजपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और जब इस तरह भी हम लोग आज जो मुंबई शहर में एकत्रित होते हैं, अलग अलग प्रांत से होते हैं, आज जो यूपी का प्रताप को यहाँ सबको इकट्ठा किया गया है कजरी के बहाने, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्यारा क्षण है हम लोगों के लिए। एक अपना एक कौन का क्षण है कि हम सब अलग अलग प्रांतों से रहते हैं मगर जब ऐसे फंक्शन में हम लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक जो तरह का आत्मा हो जाते हैं, और आई होप इसी तरीके से प्यार हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का बना रहेगा। तो भाजपा से, भाजपा पार्टी की जब बात करें, कजरी महोत्सव यहाँ पे लुप्त नाइट है, ये हम लोग ने एक स्टार्ट किया अमर मिश्रा जी के नेतृत्व में, हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा, राकेश सिंह जी, जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप करो, मेरे बड़े भाई है सतीश सिंह, आनंद सिंह और मेरे मित्र हैं जो मेरे ग्रुप अनुराग, ममता गुप्ता, नरेंद्र सोनकर, सुनील सिंह, अखिलेश सिंह, सकुल, ये सब इनका सहयोग है और इनका मतलब एक मीटिंग में हुआ कि भाई ये हमारे यहाँ रखा जाए, इस कजरी को, इस महोत्सव को आगे बढ़ाया जाए और अपने लोगों के बीच में इसको प्रोत्साहन किया जाए कि हमारे जो पुरानी प्रथा है कजरी उसको हम आगे बढ़ाएं, आगे लेके चले, यही हमारा उद्देश्य था। तो राकेश जी, किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए आप? आज का कार्यक्रम एकदम 100% रहा, आज का कार्यक्रम मराठी भाषा भवन में कराने का ये हेतु था कि उत्तर भारतीय लोकगीत का कार्यक्रम था और मराठी और उत्तर भारतीय साथ साथ में रहते हैं, लोगों में एक अच्छा मैसेज जावे, इसलिए यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा है।
ये कार्यक्रम निरंतर 2 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक चलता है। ये आज जैसे यहाँ पर आज कुछ 16 तारीख है, 16 तारीख को यहाँ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जोगेश्वरी एवेस्ट में अपना लोटस पेट्रोल पंप के सामने विसावा भवन में वहाँ कार्यक्रम है, और उसके बाद 18 तारीख को समापन रंग शारदा है। और भोजपुरी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने सुना होगा अभी विदेशिया को लेकर पूरे भोजपुरी प्रांत को सामाजिक तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बिहारी ठाकुर को जाना जाता है, और इस तरह से स्थितियाँ आज बन रही हैं कि अगर विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी जड़ों को लेकर आगे बढ़ना है, अपनी भाषा को लेकर, अपनी भूषा को लेकर, अपने भोजन को लेकर आगे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और यही सबसे बड़ा प्रदेय और यही सबसे बड़ी शक्ति आज की। सिद्धा जी, किस प्रकार का हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भ्राता भैया बैठे हैं बगल में, उनके चरणों में नमन करता हूँ, और मैं कहना चाहूँगा कि देवभूमि उत्तर प्रदेश की धरती से, धरती की जो अलग है, और हमारी माताएँ बहनें हमारी बेटियाँ जो कजरी एक परंपरा बचपन से हम लोग देखे आए चले आए, श्रावण मास पवित्र महीने में हमारी बहनें हमारी माताएं हमारी बेटियां अपने ससुराल के छोड़ के नैहर चली जाती हैं, और वहां जाके जलेबी बोके सावन में कजरी खेलती हैं, और उसको आज हमारे बड़े भ्राता और हम सबके पंडित बड़े भाई अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से ये अलौकिक अद्भुत स्मरणीय वंदनीय कार्य हो रहा है, और आज के आयोजक हमारे जिनके निमंत्रण में मैं खास तौर से आज आया हूँ कजरी में, और कई दिनों से कजरी चल रही थी, हमारे छोटे भाई शंभू सिंह जी हमारे जो गांव के भी हैं 370 विधानसभा बड़ियाओं के भी हैं, और अखिलेश जी आप भी हमारी विधानसभा बड़ियाओं से ही है, और आपका हमारा परिचय 35 वर्षों से है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज कजरी के इस पावन पर्व पर आकर बड़े भैया जैसे शीतला भैया जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ शंभू सिंह जी को मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा, बधाई दूंगा कि ऐसे आयोजन आप करते रहे, और ईश्वर आपको सदबुद्धि दे कि हमारी जो धरोहर विलुप्त होती जा रही थी कहीं न कहीं महाराष्ट्र जैसी धरती पर, ये कजरी एक ऐसा पावन पर्व है जिसके बारे में मैं कहूँ तो कम होगा, चुपते होगी हमारी बहनों के लिए, हमारी खास करके माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए ये त्यौहार अपने आप में वंदनीय है, जितना भी विशुद्ध कहा जब तक कम है। देखिए, एक मुंबई के रोज़मर्रा के जीवन में आदमी 3:23 और 4:24 की ट्रेन पकड़ने में व्यस्त रहता है, ऐसे में उसके उसके निजी ज़िंदगी के लिए कोई ऐसा समय नहीं होता कि वो जब अपने बारे में सोच सके, लोक संगीत के बारे में सोचने का उसके पास वक्त भी नहीं होता, और मुंबई शहर की आपाधापी के बीच लोक भाषा, लोक संगीत, लोक गीत और लोक संस्कृति की बात नई पीढ़ी समझ सके, इसके लिए इसका ये आयोजन किया गया है। पिछले 2 तारीख से अब 18 तारीख को इसका समारोह होगा। आज खुशी की बात यह है कि मराठी भाषा भवन के कवि कुसुमाग्रज ये सभागृह में भोजपुरी की संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे इस बात का फक्र है कि जो देश में कहा जाता है विभिन्नता में एकता, तो विभिन्नता में एकता अगर कहीं देखनी हो तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में लोग आएं और देखें कि किस तरह से मराठी भाषा भवन में भोजपुरी की गंगा बह रही है। पहले तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचेंगी बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बढ़ेंगी भी, और इसलिए बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन महिलाओं का सम्मान किया जाता है जो अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं और विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं, उन लोगों को बुलाकर हमारी उन महिलाओं के बीच में उनको सम्मानित किया जाता है, ताकि वो भी उनसे कुछ सीख सकें और उनकी उनसे ये जान सकें कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग किस तरह से सुगम हो सकता है, इसलिए हम उनको इस समारोह में सम्मानित कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम को आप कितना बढ़ावा देते हैं? इस तरह के
के कार्यक्रम को, स्त्रियों के कार्यक्रम को इसलिए भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हम लोग वर्षों से कहते आए हैं और ये मान्यता हमारी है, वेदों में कहा गया है और अब भारत के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्त्रियों को पूजा भी जाना चाहिए और सम्मानित भी किया जाना चाहिए। Thank you.